हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन विशेषज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर, ये पैनिक अटैक होता क्या है? कुछ कुछ लोगों को ऑल ऑफ ए सडन एकदम अचानक से बहुत जबरदस्त बिना कुछ वजह एकदम घबराहट आती है। कोई अपेरेंटली कोई रीजन नहीं रहता, इतनी धड़कन चल हो जाती, सीना धड़ 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 करने लगता है, पूरा पसीना तर हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, पेट में ऐसा कुछ तो भी गोला उठ जाता है कि अभी पेट में कुछ तो भी हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि ये बस धरती माँ अभी बिल्कुल फट जाएंगे और अपन नीचे चले जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि भाई अटैक आएंगे और अपन मर जाएंगे, कुछ तो भी ऐसा मतलब भूकंप हो जाएगा। इतना उनको डर लगता है कि अभी मतलब वो वहाँ से इतना घबरा जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे या किसको पकड़ लेंगे। उनको लगता है कि भाई बस कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा कि जिससे उनके जान को खतरा हो जाएगा, इतना डर लगता है उनको। हाथ पैर कांपना, खड़े खड़े मतलब खड़े रहना भी मुश्किल हो जाना, वो बैठ जाएंगे। और ये जो अटैक आता है, ये अटैक उनको 15 मिनट से लेके 60 मिनट मतलब 1 घंटे तक चलता है, और वो 1 घंटे के बाद में वो नॉर्मल हो जाएगी। उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। और ये अटैक का कारण कुछ नहीं है, अपेरेंटली कोई कारण दिखता नहीं है, ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, कुछ नहीं, एकदम सडनली उनको अटैक आता है और वो उसमें घबराहट चालू हो जाती है। फिर कुछ दिन तक ये लोग नॉर्मल रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं होगा उनको, और फिर कब फिर से अटैक आ जाएगा मालूम नहीं। यह अटैक घर में भी आएगा, बाहर आएगा, मतलब ज़्यादातर बाहर आता है, घर के बाहर निकलते तो, घर में जब सेफ रहते तो उनको कुछ लगता नहीं है। वो अटैक के समय वो कहीं डॉक्टर के पास निकल जाएंगे, वहाँ भर्ती हो जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे। उनको लगता है कि अभी मैं मर जाऊँगा, मरने वाला हूँ, अभी कोई बचाने वाला है नहीं। और डॉक्टर के पास में जाके वहाँ कुछ तो भी भर्ती हो जाएंगे और वहाँ इलाज करेंगे। फिर कुछ दिन तक नॉर्मल रहेंगे, फिर अटैक आ जाएंगे। ये यदि नॉर्मल पूरे हो जाते हैं तो ये पैनिक अटैक बोलते हैं। और पैनिक डिसऑर्डर जो है वो ऐसा है कि ये जो तकलीफ है ये उनको 1 महीने से ज़्यादा यदि हो रही है, मतलब 1 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक ये चालू है, ऐसे अटैक आना, बीच बीच में आना और बीच में नॉर्मल नहीं होना, कुछ ना कुछ सिम्टम, कुछ ना कुछ लक्षण चालू रहना, तो उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। अब ये दोनों का इलाज, मतलब अटैक आना बीच में एकदम नॉर्मल हो जाना, या अटैक आके नॉर्मल नहीं होना और महीना 2 महीने 6 महीने चलना, अब दोनों इसमें इलाज तो करना जरूरी है। होता क्या है कि जब ये लोगों को मालूम है कि अपने पास में घर में ऐसी व्यवस्था है कि कुछ हो गया तो अपनी जान बच जाएंगी, तो उनको अच्छा लगता है घर में, या फिर वो जाके भर्ती हो जाएंगे, या उनको ऐसी कोई दवाइयाँ अपने पास में हैं, वो दवाइयाँ हम उनको देते हैं कि भाई ऐसा अटैक आ गया तो जुबान के नीचे ये गोलियाँ रखो तो अटैक निकल जाएगा, तो गोलियाँ रखते हैं और अटैक से वो मुक्ति पा सकते हैं। और फिर कुछ दिन तक वो गोलियाँ रोज़ के रोज़ भी लेना जरूरी है, और रोज़ वो दवाई लेते हैं, गोली खाते हैं, तो उनको ये सिम्टम आएंगे नहीं, लक्षण आएंगे नहीं, और धीरे 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 अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोगों को सिर्फ अपने खिसे में गोली रख भी दिया और रखा अपने पास में, तो उनको ये लगता है कि चलो अपने पास में दवाइयाँ हैं तो अभी अपने को कुछ होगा नहीं, तो अपने पास में दवा रखते हैं और उनको कुछ होता नहीं। मतलब जैसा नींद के बारे में होता है ना, कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास में नींद की गोली है तो नींद की गोली लेने की उनको ज़रूरत नहीं रहती, नींद आ जाती है। वैसा इनका है कि वो गोली लेने की ज़रूरत लगेंगी भी नहीं, मगर खिसे में गोली है और वो गोली जुबान के नीचे रख दिया तो अपने को अच्छा हो जाएगा, ये विचार से भी वो अच्छे हो जाते हैं। इसके अलग अलग तरह के इलाज है, वो मेरे और कुछ वीडियो में इसके इलाज उपलब्ध है। मुझे इतने बताने का है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी से यदि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन जीने का दर्जा, वो यदि अफेक्ट होता है, उसके ऊपर यदि असर होता है बुरा, तो इसका इलाज करना जरूरी है। ये दवाइयों से अच्छा हो सकता है, स्वसंबोधन से अच्छा हो सकता है, मेडिटेशन से अच्छा हो सकता है, साइकोथेरेपी से अच्छा हो सकता है, मतलब अलग अलग उसके इलाज है। और वो यदि आप एक्सपर्ट से लेते हैं तो इससे जरूर मुक्ति पा सकते हैं। आपके संपर्क में आने वाले काफ़ी लोगों को ये बीमारी यदि होंगी या ऐसे लक्षण होंगे तो ये जरूर उनको शेयर करो वीडियो,
ताकि उनको भी जानकारी हो जाएंगी कि ये बीमारी से अच्छे हो सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।